कुछ बात करेंगे हानका डोगरा पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, जिसमें 15 इश्तिहारी गिरफ्तार करके शराब, असलहा, मंशियात और लूटी हुई लाखों रुपए की रकम बरामद कर ली गई है। ये वाकया पेश आया है डोगरा में। पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए एक माह के अंदर थाना खानका डोगरा में 15 खतरनाक इश्तिहारियों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 2 राइफल, 44 बोर, 6 अदद पिस्टल और 2700 ग्राम चरस और 60 बोतलें देसी शराब बरामद करके मुजरमान को जेल भेज दिया है। SHO सैयद इमदाद हुसैन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला भर की तरह खानका डोगरा में भी जुराइम पेशा अफराद की बेहकुनी का अमल बिला तातुल जारी रहेगा और दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए किरायादारों के बारे में इतला तक भी जो है वो ली जाएंगी। 7 अफराद के खिलाफ आरजी क्यामगा एक्ट के तहत और नामुनासिब सिक्योरिटी इकदाम पर ग्रेड स्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज और पेट्रोल पंप मालकान समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ये खानका डोगरा के हवाले से आपको हम आगाह कर रहे थे कि पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ उन्होंने किस तरह से क्रैकडाउन किया है और 15 इश्तिहारी भी गिरफ्तार कर लिए हैं। इस हवाले से हम मजीद अपडेट्स लेते हैं मुदस्सर भट्टी से। मुदस्सर भट्टी, आपके पास मजीद क्या तफसीलात हैं कि पुलिस ने क्रैकडाउन किया था, 15 इश्तिहारी गिरफ्तार किए थे, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, खानका डोगरा में जो पुलिस है उन्होंने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। कार्रवाई करते हुए उन्होंने 15 इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया है और उनसे असला, शराब और मंशियात जैसे बरामद किया है। इनमें से तकरीबन 22 रैफले, 44 बोर, 6 अदद पिस्टल और 2700 ग्राम चस की बरामद की है और 60 बोतल शराब की बरामद की। उनको तफ्तीश के बाद जेल भेज दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सर अली भट्टी, नुमाइंदा दिन न्यूज़ खानका डोगरा से हमें अपडेट कर रहे थे।